जय श्री राधे। मैं आचार्य प्रसून कौशल, एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी फैमिली मेंबर्स का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज का जो मैं अद्भुत प्रयोग आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इस प्रयोग से आप जहां भी चाहते हैं, आपका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, वहां पर आपकी इच्छित जगह पर आपका ट्रांसफर हो जाएगा। व्यक्ति बहुत परेशान रहता है, यहाँ मेरा ट्रांसफर हो जाए, वहां मेरा ट्रांसफर हो जाए, मेरे घर के पास मेरा ट्रांसफर हो जाए, मैंने जहां पर भी आप चाहते हैं, लोग बहुत परेशान रहते हैं इसके लिए, तो लोग बहुत रिश्वत भी देते हैं लोगों को, ट्रांसफर हो जाए कहीं ना कहीं, रिश्वत का तो काम चल ही रहा है। आप देखिए हर जगह जो काम वैसे नहीं होते वो अंडर टेबल हो जाते हैं, टेबल के नीचे, तो इस मामले में तो बहुत ही ज्यादा लोग रिश्वत देते और लेते हैं। पर आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको केवल उपाय करना है, बस उपाय करिए, आपके सारे काम बन जाएंगे। बिल्कुल आपका जहां आप चाहते हो वहां आपका ट्रांसफर अवश्य ही होगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपको करना है क्या, बस इसको ध्यान से सुनिए। और मैं यही चाहता हूँ, मैं मेरे पास बहुत से फोन आते हैं कि लोग इतने परेशान हो गए कि महाराज जी ट्रांसफर नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि बीमार तक पड़ गया आदमी। एक मेरे पास कल कॉल आया, उन्हें माने इतना वो परेशान हो गए कि उन्हें हार्ट के पेशेंट हो गए, वो उस प्रॉब्लम से ट्रांसफर चाह रहे हैं कि मेरा यहाँ ट्रांसफर हो जाए, इतना परेशान हो गए हैं वो। तो उन्हीं लोगों के लिए जो इतना परेशान है, क्योंकि आप सभी जितने भी लोग मुझे देखा, आप सभी मेरे फैमिली मेंबर्स, मैंने बार बार बोला है कि आप लोग अकेले नहीं है, यदि आप एक है तो दूसरा मैं हूं आपकी फैमिली के सदस्य, यदि आपके घर में तीन सदस्य हैं तो चौथा मैं हूं आपका फैमिली के सदस्य, यदि आप पांच सदस्य हैं तो छठा मैं हूं आपकी फैमिली का सदस्य। आप अकेले नहीं, क्योंकि आप मेरे हैं और मैं आपका हूं। मैंने बार बार बोला है, मैं आप लोगों के लिए अद्भुत प्रयोग लेकर के आऊंगा, दिव्य प्रयोग लेकर के आऊंगा, इन प्रयोगों से आप अपने जीवन की सारी मुसीबतों को दूर कर लेंगे, सारी जितनी भी दिक्कतें आपके जीवन में आ रही हैं। और मैंने बार बार आप लोगों से एक बात कही थी, आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, इनका कारण क्या है। कारण इनका एक ही है, आपकी कुंडली में उपस्थित ग्रह, उनकी दशाएं, उनके योग दुर्योग, यही कारण बनता है। इसलिए मैंने बार बार आप लोगों से बोला कि अपनी कुंडली आप लोग अवश्य दिखाइए कि कुंडली में आपके कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं हो रही है। आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा तो भाग्य गड़बड़ है, धन नहीं आ रहा तो धनेश गड़बड़ है, वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, सप्तमेश गड़बड़ है, संतान नहीं हो रही तो पंचमेश गड़बड़ है, आय नहीं हो रही तो एकादशेश गड़बड़ है, आयुष गड़बड़ है, पेट दिक्कत करता है तो गुरु गड़बड़ है, हर चीज में नशों में दर्द रहता है तो बुद्ध गड़बड़ है, हर चीजों का एक लॉजिक है कुंडली। इसलिए बोलता हूँ अपनी कुंडली दिखाइए, कुंडली दिखाने के लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम और अपना नाम आप मुझे व्हाट्सअप करिए। आपका सपनी डिटेल नहीं है तो अपने बच्चे की डिटेल आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। छोटी सी सेवा राशि रखी हुई है, सेवा राशि जमा करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, फिर मैं स्वयं आपको कॉल करूंगा, सब कुछ आपको बताऊंगा क्या करना है, कैसे करना है, जो मैं घरेलू उपाय बताता हूँ, ऐसे कोई उपाय नहीं बताता हूँ जिसमें आपको बहुत रुपया धन खर्च हो, ज्यादा रुपया व्यय हो, समय खर्च हो, मैं केवल घरेलू उपाय बताता हूँ जो आप बिना खर्च किए घर में आराम से, बिना समय स्पेंड किए घर में आराम से कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और जो मैं यंत्रों की पूजा मंत्रों का जाप बताता हूँ, यदि आपने वो कर लिया समझिए आपने अपने जीवन को बना लिया। यंत्रों की पूजा मंत्रों का जाप रामबाण है आप लोगों के लिए। अब ध्यान सुनिए आपको करना क्या है, बहुत ही अद्भुत उपाय है, आपको कुछ नहीं करना है। आप रविवार वाले दिन आपको गुड़ ले लेना है, गुड़ ले लीजिए यथा इच्छित, और बिना छिलके वाली दाल, बिना छिलके वाली दाल ले लीजिए आप, और आपको ले लेना गेहूं, जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितने आपका बजट हो उस हिसाब से आप ले लें। गरीब व्यक्ति को दान करिए प्रत्येक रविवार को, गुड़ बिना छिलके वाली दाल और गेहूं, बिना छिलके वाली दाल, मुँह की जो बिना छिलके दाली वाली दाल होती है उसको आप दान करिए। आप देखेंगे जहां सी आपकी जगह आप इच्छा रखते हैं कि मेरा यहाँ पर ट्रांसफर हो जाए, देना उसी व्यक्ति को जो बिल्कुल नीडी हो, जो बिल्कुल गरीब व्यक्ति हो, जिसको आप दे समझिए कि आपके देने से ही उसका उस दिन भोजन बने, इस तरह का जो गरीब व्यक्ति उसको दीजिए। देते हुए प्रार्थना करिए, हे प्रभु मैं जहाँ चाहता हूँ वहाँ पर आप मेरा ट्रांसफर अवश्य करवा दें, थोड़ी दक्षिणा भी दे दीजिए आप इसके साथ, आप देखेंगे बहुत ही जल्द आपका मन इच्छित जगह आपका ट्रांसफर हो जाएगा जहाँ पर भी आप चाहते हैं। अपनी कुंडली एक बार अवश्य दिखाएं इसके पहले, ये बहुत आवश्यक है, यदि कुंडली में ग्रह गड़बड़ है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए पहले कुंडली दिखाएं, कुंडली को उपाय करें, साथ में उपाय करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरी शुभकामना आप सभी लोगों के साथ हैं, आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, आनंद में रहें। राधे राधे।